अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं अल्लाह तबारक व तआला का एक मुबारक नाम या वहाबो पढ़ने के कुछ फ़ायदे। प्यारे दोस्तों, इस अल्लाह के नाम के मायने हैं ऐ सब कुछ अता करने वाले। तो प्यारे दोस्तों, आज का वजीफ़ा है फ़िक्र फाका और मुफलिसी यानी कि गरीबी से निजात का, घर में रिज्क में इजाफ़ा करने का यानी कि घर कारोबार में बरकतों का, और किसी भी हाजत यानी कि दुआ कबूलियत का। तो मेरी प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों से, तमाम लोगों से दिल से गुजारिश है इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और तमाम मुसलमानों में इस वीडियो को शेयर करके सवाब के मुस्तहक भी ज़रूर बने। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, जो शख्स फ़िक्र फाके में मुबतला हो यानी गरीबी से तंग आ गया हो, घर के अंदर पैसे की कमी हो, तो ऐसा शख्स या वहाबों को कसरत से पढ़े यानी जब भी वक्त मिले पढ़ता रहे, बिना गिने जितना हो सके पढ़े, या फिर इस नाम को लिखकर अपने पास रखे यानी कि या वहाबों को लिखकर किसी कागज़ पर लिखकर अपने पास रखे हमेशा के लिए, तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला अल्लाह उस शख्स को बेपनाह रिज्क अता फरमाता है और अल्लाह उसे हैरतअंगेज़ तरीके से फ़िक्र फाके से यानी गरीबी से निजात अता फरमाता है। और अगर कोई हाजत पेश आए प्यारे दोस्तों, आपकी कोई भी कैसी भी दुआ हो, कैसी भी मुराद हो, कैसा भी मकसद हो, तो ऐसे मकसद को दिल में समा कर, दिमाग में रख कर, अपने घर या मस्जिद में एक तरफ अकेले में 3 बार सजदा करें। प्यारे दोस्तों, पहले आप लोग तरीके से कायदे में बैठ जाएँ और 3 बार सजदा करें। सजदा करने के फौरन बाद आप लोग उठें और हाथ उठाकर ये इस्म यानी या वहाबो 100 मरतबा पढ़ें। जो शख्स भी इस तरह से कर लेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला उसकी कोई भी हाजत हो, कोई भी दुआ हो, कोई भी मुराद हो, वो पूरी हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, बस यही था आज का छोटा सा वीडियो। उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो आप सभी लोगों के समझ आ गया होगा। दिल से इस वीडियो पर एक लाइक करके तमाम मुसलमानों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।